हेलो दोस्तों, आज की हमारी रेसिपी है कैपुचिनो स्पेशल। चावल की थी रेसिपी, तो चलिए अब हम गैस ऑन करते हैं। जो कैपुचिनो में चलते हैं आज उसको लास्ट दिन है, और आज के दिन यहाँ पे तो यहाँ पे मैंने घी ले लिया है, देसी घी। आप हो सकते हो ऑयल वगैरह या कुछ भी ले सकते हो। हम घी डाल देते हैं, यहाँ पे लग एक थोड़ा चम्मच से ज़्यादा घी लेंगे, और यहाँ चावल अच्छे से दोस्तों यहाँ पे मैंने 3 इलायची को कूट के ले ली है। चलिए अब इसमें हम डाल देते हैं उसको, हम ऑयल घी में डाल देते हैं। दोस्तों ये आवाज़ थोड़ा हो रहा है तो इसको इग्नोर करिए। चलिए अब हम इसमें चीनी डाल देते हैं। यहाँ पे मैंने 2 चम्मच चीनी ली हूँ, और इसको हम कैरमल होने देते हैं। इसको हम कैरमल होने देते हैं, उसके बाद मैं दिखाते हैं। ऑयल हमारा कैरमल हो रहा है, तो इसको हम और थोड़ा सा कैरमल होने देते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमारा चीनी कैरमल हो गया है। यहाँ पे मैं इस कटोरी से नाप के चावल ली हूँ, तो हम गैस फ्लेम कम कर देते हैं। यहाँ पे मैंने चावल डाल दी हूँ। दोस्तों थोड़ा लाइट की प्रॉब्लम हो रही है, हाँ दोस्तों मैंने ब्राइटनेस नहीं बढ़ाया था, तो मैं यहाँ पे इसी कटोरी से 2 कटोरी इतना और चावल ले रही हूँ। दोस्तों गैस हमारा ऑफ हो गया है, तो हम गैस ऑन कर लेते हैं। चावल को हम अच्छे से घी में सॉटे कर लेते हैं। मैं इसको सॉटे कर लेती हूँ। चावल को हम अच्छे से और में सॉटे कर लेंगे, उसके बाद हम इसमें पानी मिलाएंगे। दोस्तों फ्लेम को कम कर देते हैं। चावल हमारा प्रेशर कुकर में लग रहा है, तो इसको हम चला लेते हैं अच्छे से। दोस्तों चलिए हम पानी ले लेते हैं, हम चावल को देख के पानी लेंगे। दोस्तों मैं चावल को देख के पानी ले लूँ, चलिए और थोड़ा सा पानी देंगे, हमारा चावल अच्छे से पक जाए। पानी लेंगे, हम पकने के लिए छोड़ देंगे।
के चलिए हम प्रेशर कुकर में ढक्कन लगा लेते हैं, इसको हम 4 से 5 सीटी तक पका लेते हैं, उसके बाद आगे की तैयारी करेंगे। तो यहाँ पे हमारा ढक्कन लग चुका है, चलिए हम गैस को छोड़ देते हैं, हाई फ्लेम पे सीटी आने देते हैं। दोस्तों चलिए हम प्रेशर कुकर को साइड में, साइड वाले चूल्हे में रख देते हैं। यहाँ पे हम खीर को ले लेते हैं, ढक ले ली हूँ। चलिए अब हम इसमें दूध डाल देते हैं, यहाँ पर मैंने 2 लीटर दूध ले ली। दो लीटर तो हम इसको उबालते हैं। दोस्तों चलिए हम हमारा प्रेशर सिटी में दे दिया है, तो अब हम ढक्कन हटा के देखते हैं। यहाँ पे मैंने ढक्कन को हटा लिया और यहाँ पे हमारा ये चावल भी रेडी हो गया है। चलिए अब हम इसको खीर में डाल देते हैं, तो मैं डाल के दिखाती हूँ आप लोगों को, एक मिनट रुकिए। लकड़ी के चूल्हे को ट्रांसफर कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर करने के लिए देर होगा और मुझे वहाँ पर कुछ बनाना है। तो चलिए हम इसको चूल्हे को, लकड़ी के चूल्हे को ले चलते हैं, दिखाते हैं। चले अब हम काजू को निकाल लेते हैं, तो हमारा काजू जल गया है क्योंकि थोड़ा सा दाम ज़्यादा हो गया है। दोस्तों करिए, हम किशमिश ले लेते हैं।
काजू किशमिश हो गया है, थोड़ा सा ज़्यादा तल गई है, कोई बात नहीं, चल जाएगा। मैं इसमें से जो जल ज़्यादा पक गया है वो तल गया, उसको निकालेंगे और बाकी को डाल देंगे। दोस्तों हमारा खीर यहाँ पे बन रहा है लकड़ी के चूल्हे पे, तो चलिए हम इसको थोड़ा सा चला लेते हैं, ये तो हमारे खीर जल सकता है। हम इसको अगर गैस पे बनाते तो बनने में देर होता, तो हम लकड़ी के चूल्हे पे बना रहे हैं। अगर आप कम बनाओगे तो आप चूल्हे पे, गैस के चूल्हे पे बना सकते हैं। इसको बीच बीच में चलाते रहेंगे, नहीं तो हमारा ये खीर नीचे लग सकता है। दोस्तों यहाँ पे मैंने ये पत्ता लिया है, ये पत्ता, इसको हम अन्नपूर्णा के पत्ता बोलते हैं, जो ये चावल बनाने के टाइम और खीर बनाने के टाइम डाला जाता है। देखिए इसको मैंने ऐसे काट दिया हाथ से, तो चलिए अब इसको हम डाल देते हैं खीर में। दोस्तों चलिए अब हम काजू और किशमिश और ये पत्ता एक साथ डाल देते हैं। आप लोग ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप लोग ज़्यादा मीठा, ज़्यादा चीनी ले सकते हैं। इसमें कंडेंस मिल्क लेंगे, तो मैंने 2 कप लिए हैं, बाद में कंडेंस मिल्क ले लेंगे और थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा ये हमारा खीर। दोस्तों चलिए अब हम खीर में ये कंडेंस मिल्क डाल देते हैं। यहाँ पे मैं आधा कंडेंस मिल्क ले रही हूँ, हमने इसमें चीनी डाली है। हम इसमें मिस्टर का कंडेंस मिल्क लिए हैं। अगर आप कुछ और भी है, कोई और भी नहीं है, तो आप उसका भी लेके बना सकते हैं। तो चलिए अब हम इसमें नमक डाल देते हैं। इसको हम और थोड़ा गाढ़ा होने तक पकाएंगे। देख लेते हैं हमारा खीर कैसा बना है। तो खीर में कुछ इस तरह बना है। दोस्तों मैं इसको निकाल के आप लोगों को दिखाती हूँ, ठंडा होकर निकाल के दिखाती हूँ। दोस्तों हमारा खीर हो गया है। चलो इसको हम चला लेते हैं अच्छे से।
कुछ इस तरह का दिख रहा है। तो दोस्तों अभी घर में बनाए हैं, टेस्ट करिए।